हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सूजी के फिंगर्स। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है ये आलू, उबले आलू 5-6। ये एक कटोरी सूजी ली है मैंने, ये एक चम्मच चाट मसाला, ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च कूट के लिया है, और ये एक चम्मच जीरा, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, और ये ऑयल, ये लिया है मैंने ऑयल। इससे इसको मैं इसमें फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर रही हूँ और ये एक पैन चढ़ा दे रही हूँ मैं। पैन में मैं ये 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। अब ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तब मैं इसमें अपनी सूजी डालूंगी। और इस पानी में मैं एक चम्मच के करीब ये ऑयल डाल रही हूँ। अब ये जब पानी बॉयल होगा तब मैं इसके अंदर सूजी डालूंगी। तब तक मैं अपने ये आलू को छील ले रही हूँ। ये मैंने 5-6 मीडियम 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको बर्थडे पार्टी में या किटी पार्टी में भी बना सकते हैं, बना करके सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं अपनी ये एक कटोरी सूजी इसमें पानी डाल दूंगी और इसको मैं चला करके बंद कर दूंगी ताकि इसमें यह सूजी जो है फूल जाएगी अच्छे से, और तब तक ये ठंडी होगी और फूलेगी। देखिए पानी में, पानी देखिए पूरा सूख गया। मैंने एक कटोरी सूजी में 1.5 ग्लास पानी मैंने डाला था। ये देखिए अब मैं इसको बंद करके ऐसे रख दे रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं इसको ढक करके रख दे रही हूँ ताकि ये सूजी फूल जाएगी और तब तक ठंडी होगी। तब तक मैं ये आलू कद्दूकस कर ले रही हूँ। सारे आलू को मुझे ऐसे कद्दूकस करना है। ये देखिए मैंने ये आलू अपने पूरे कद्दूकस कर लिए हैं और ये सूजी भी ठंडी हो गई है। देखिए फूल करके ऐसी हो गई, तो मैं सूजी इसमें पलट ले रही हूँ। ये देखिए मैंने सूजी और आलू मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें अपने सारे जो मसाले वो डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने ये जीरा लिया है 1 चम्मच, ये चाट मसाला, ये आपका कुटी काली मिर्च है थोड़ी सी है, और ये हरे मिर्च है, ये धनिया पत्ती है, और ये पुदीना की पत्ती है। ये मैं अपने सब मिला ले रही हूँ सब, और नमक जो है अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को, आलू सूजी और जितने भी है धनिया वगैरह, सबको अच्छे से मुझे यूँ मिलाना है बहुत ध्यान से। जैसे आप एक डो तैयार करते हो उस तरह से इसको तैयार करना है। देखिए
ये देखिए मेरा दो मिलके सब तैयार हो गया एकदम अच्छा सा। अब मैं ये ऑयल मैंने जो लिया है इस, अब मैं गैस अब ये मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ और तेल को खूब अच्छा गरम करना है। जब तक मैं गरम हो रहा है तब तक मैं इसकी देखिए फिंगर्स बना रही हूँ, बना लूँ ये देखिए मैंने ऑयल थोड़ा ले रखा है और जब मैं इसको हाथ में यूं ऑयल लगा लूंगी दोनों हाथों में ऐसे इसके यूं छोटे छोटे बॉल्स ले करके पहले यूं बनाना है और फिर उसके बाद यूं लंबे लंबे जितना भी आप लंबा चाहती हैं उतने लंबे यूं बना लीजिए। ये देखिए और मैं बना बना करके एक प्लेट में रख ले रही हूँ, छोटे बड़े जैसे भी आप जिस साइज में चाह रही हैं। ये देखिए इसकी साइज आप अपने हिसाब से रखिए, जैसे भी आप कुछ बनाना है पतला छोटा। ये देखिए मैं बना ले रही हूँ उसे। ये देखिए मैंने अपने सारे बना लिए हैं फिंगर्स, अब मैं इसको देखिए एक करके डाली हूँ। ये देखिए तेल हो चुका है और मुझे इकट्ठे नहीं डालने हैं, इसको एक एक करके डालना है। जब ये थोड़ा हो जाएगा तब मैं अपना इसमें दूसरा डालूँगी वरना चिपक जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके मुझे डालना है इसमें। जब एक निकले थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा ऊपर आ जाएगा तब मैं इसमें दूसरा डालूंगी, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में, तो मुझे धीरे धीरे करके डालना है। ये देखिए जब अलग हो जाएंगे थोड़े तब मैं इसमें दूसरे अपने डालूंगी। और मैं ये देखिए दूसरा डाल रही हूँ कुछ टाइम बाद ताकि ये चिपके ना एक दूसरे में। देखिए ये मैं डाल रही हूँ, अब देखिए ये बन रहा है मेरे। ये देखिए हल्का ब्राउन हो रहा है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मुझे इन्हें निकालना है। अब ध्यान रखना धीरे धीरे ही डालना है, इकट्ठे नहीं डालना है वरना सब चिपक जाएंगे एक दूसरे में। ये देखिए मेरे ये आलू सूजी के फिंगर्स एकदम देखिए बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इनको एक एक करके ही डाला है, अगर इकट्ठे हम डाल देते तो ये चिपक जाते, तो इसलिए मैंने अलग अलग डाला है। देखिए बहुत ही अच्छे एकदम गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको साइड करके ताकि इसका जो तेल है जो भी है वो तेल निकल जाए, तब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनते हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी हैं मगर अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए मेरे
आलू और सूजी के फिंगर्स, क्रिस्पी फिंगर्स बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको टमाटो सॉस और हरी चटनी से सर्व कीजिए प्लीज़। और देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।